हेलो फ्रेंड्स, मैं चक कृपाणी पांडे अपने यूट्यूब चैनल हमारी पुष्प वाटिका पर आप सबका हार्दिक स्वागत और पुनः अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज का मेरा विषय मॉर्निंग ग्लोरी के ऊपर है। मॉर्निंग ग्लोरी ये पौधा जब सुबह की धूप पड़ती है तो इसका फूल खिलता है, बहुत ही देखने लायक होता है, बहुत ही सुंदर होता है। एक एक ब्रांचेस पे कई कई फूल आते हैं और ये लता के रूप में आता है, तो इसे हमेशा अपने घरों में आपको लगाना चाहिए। ये मॉर्निंग ग्लोरी है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि सीड्स से कैसे हम मॉर्निंग ग्लोरी को जर्मिनेट करें और फिर उसको लगाएँ, क्योंकि अगर हम मार्केट से ख़रीदते हैं तो ये पौधा काफ़ी कॉस्टली मिलता है। तो इसकी मीडिया क्या होनी चाहिए, इसको कैसे लगाना चाहिए, आइए हम इसका सबका अपडेट आपको देते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको किस मीडिया में मॉर्निंग ग्लोरी को लगाना है, ध्यान से देखिएगा कौन सी मीडिया है। इधर जो आप देख रहे हैं ये मीडिया आपकी है कोकोपीट। कोकोपीट पानी को होल्ड करके रखता है और बीज को मॉइस्चर प्रदान करता है। ये मीडिया इधर आपकी देख लीजिए, ये पीट मॉस है, समुद्री घास है, पीट मॉस है, इसको भी हम लगाएंगे। इसका भी यही काम है कि ज़्यादा मॉइस्चर बनाए रखना। साथ ही साथ खाद के रूप में हम थोड़ा सा इसमें बर्मी कंपोस्ट मिलाते हैं ताकि पौधों को या बीज को जर्मिनेशन करने में बहुत ही आसानी हो। तो अब इसका रेशियो जान लीजिए, 50% कोकोपीट, 30% पीस मॉस और 20% आपका बर्मी कंपोस्ट। अब इसको आसानी से खूब अच्छे तरीके से पहले मिला लेते हैं दोनों हाथों से। ये देखिए, खूब मिला दीजिए ताकि तीनों चीज़ें आपस में मिल जाएं। स्पंजी मीडिया बन जाता है, ये देखिए स्पंजी और सूखा मीडिया, यही मीडिया आपको तैयार करना है। ये मीडिया आप किसी भी बीज के जनरेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा ये मीडिया कॉस्टली है लेकिन बहुत ही अच्छा है। इसमें हमने इस बार मोरंग का प्रयोग नहीं किया है, जानबूझ के प्रयोग नहीं किया है, उसके स्थान पर मैंने पीट मॉस का प्रयोग किया है। अब इसका रिजल्ट देखते हैं आगे। जब एक बात का ध्यान रखिएगा, इसको पौधे को मिलाने में कोई कसर मत छोड़िएगा, खूब कायदे से मिला लीजिएगा, भुरभुरेपन से इसको मिला लीजिएगा, क्योंकि पीट मॉस जो होता है वो एक जगह रखे रखे या एक जैसे होने पर बहुत ही थोड़ा सा गठीले टाइप का हो जाता है। ये देखिए, अब पूरा पीट देखिए सब बन गया कायदे से। अब इसी पीट मॉस में, बर्मी कंपोस्ट में और कोकोपीट द्वारा बनाई मीडिया में हम मॉर्निंग ग्लोरी को या मॉर्निंग ग्लोरी के बीज को बोएंगे। ये हम एक साइड रखते हैं। अब आपको मॉर्निंग ग्लोरी का पैकेट दिखाते हैं। ये पैकेट मैंने ऑनलाइन मंगाया था, ओमेक्स कंपनी का है और इसमें मॉर्निंग ग्लोरी के दिखाए गए चित्र के अनुसार ही बिल्कुल ऐसे ही फूल निकलते हैं, बहुत सुंदर फूल होते हैं। आप भी इसको लगाइए। अब देखें एक पैकेट में कितने बीज होते हैं, अभी मैं हाथ में निकाल के आपको दिखाऊंगा। और ये जो मीडिया मैंने बताई उस मीडिया को मैंने पहले ही बना करके इसमें रखा हुआ है। आप भी, चूँकि आपको मुझे बताना है, दिखाना है, इसलिए मैं आपको दिखा के बताता हूँ, लेकिन मैं इस मीडिया को पहले से ही तैयार करके एक बेड के रूप में रखता हूँ। देख लीजिए, बेड ऐसा होना चाहिए जिसमें नीचे से आप देखें तो ये होल्स ये ऐसे ऐसे बने होने चाहिए जालीदार, जिससे एक्सेस पानी जो आपका हो वो निकल सके, एक्सेस पानी निकल जाए, पानी होल्ड ना हो। अब हम इसको कैंची से काटते हैं, देखते हैं एक में कितना बीज है। ये मैंने कैंची से काटा, इसको बीजों को बाहर निकालते हैं।
कुछ इस तरह से काले काले इसके बीज होते हैं, आप देखिए इस तरह से कुछ काले काले इसके बीज होते हैं ये, और ये हमारे ख्याल से संख्या में 50 से ऊपर बीज हैं, 50 से काफ़ी ऊपर बीज हैं, तो इनको हम ऐसे डाल देंगे। चूँकि बड़े बीज हैं इसलिए इनको एक एक करते हुए हम डालते चले जाएंगे। छोटे बीज होते तो हम स्प्रिंकल कर देते, लेकिन बड़े बीज हैं तो हम इनको डालते हुए ऐसे ऐसे चले जाएंगे। बहुत सुंदर फूल होता है इसका, ये लताएं लता के रूप में होता है, तो अगर जब कभी आपका ये बीज निकलेगा आप इसको लगाइए, चारों तरफ डंडी लगा दीजिए बांस की, तब इसके फूल को खिलिए, देखिए आप जैसे ही सुबह की पहली किरण पड़ती है ये फूल खिल जाते हैं, और फिर धीरे धीरे 10 बजे के बाद ये फूल अपने आप बंद हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर फूल होते हैं, मैं तो हर साल इनको उगाता हूँ। अब जब आप पौधा तैयार कर लेंगे तो ये बीज आपको मंगाने की ज़रूरत नहीं है, जो फूल आपको पसंद है वही बीज से ही वही बीज से ही आप फिर से उगा लीजिए। दूसरा पैकेट हम काटते हैं, जब पौधा आपका तैयार हो जाता है, फूल खूब देता है, तो उसमें से जो बीज निकलते हैं, फूल से तो बीज निकलेंगे नहीं, इसके बीज अलग से उसी में निकलते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ज़्यादा फूल लेने की कोशिश कीजिए, बीज उतने ही लीजिए, बीज को तोड़ते जाइए जितना आपको ज़रूरी हो। ये देखिए वैसे ही है, अब इधर का हिस्सा पकड़ेंगे हम और इसको इसी में डालते चले जाएंगे। मीडिया यही रहेगी आपकी जो मैंने आपको बताया है, ताकि आप जब खुद के तैयार किए हुए पौधे आप लगाते हो तो आपको बहुत खुशी मिलती है, वनस्पत आप जब नर्सरी से ला के आप लगाते हो। देखिए चारों तरफ मैंने बीज डाल दिए हैं, लगभग ये काम पूरा होने वाला है। इसको लगाइए, खूब सुंदर फूल है ये, ये देखिए। अब हम इसको हाथ से थोड़ा थोड़ा दबा देंगे, हो सकता है कि डालने में गलती हुई हो तो एक साथ दो दो बीज तीन तीन बीज निकले, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है, आपका पौधा मरेगा नहीं। ये देखिए मैंने इसको डाल दिया, अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा वही मीडिया जो मैंने अभी बनाया था उसको डाल देंगे। मीडिया यही इस्तेमाल कीजिए आप, हमेशा गोबर की खाद वगैरह मत डालिए, गोबर की खाद डालने से उसमें तमाम कीड़े रहते हैं, उसी के साथ घास फूस भी उगाते हैं। आप बिल्कुल साफ़ कोकोपीट और मांसपीट दोनों मंगा के रख लीजिए, और साथ ही साथ वर्मी कंपोस्ट, आपके पास कोई भी वर्मी कंपोस्ट मंगा के रखिए, लेकिन ये सुनिश्चित कर लीजिए कि बिल्कुल पका हुआ वर्मी कंपोस्ट हो, जिस गोबर से वो तैयार किया गया हो, कच्चा गोबर ना हो, नहीं तो आपका पौधा पूरी तरह से नहीं उगेगा। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे, गोबर की खाद आप मंगा लेते हैं उसको चालते भी नहीं, सुखा करके वैसे ही डाल देते हैं, या तो उसको चाल करके खूब साफ़ कर लीजिए, उसमें बहुत मेहनत है, सुखाइए, ठंडक में तो वैसे ही धूप की प्रॉब्लम होती है, वो आप सिखाइए, सुखाने में प्रॉब्लम होंगी, तो आप गोबर की खाद मैं सजेस्ट करूँगा ना प्रयोग करें, आप बर्मी कंपोस्ट ही मंगा लिया करें, या काऊ डंग मैन्योर मंगा लीजिए, या लीव कंपोस्ट मंगा लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे, लेकिन मेड बाय समवन एक्सपर्ट, जिसको किसी एक्सपर्ट के द्वारा तैयार किया गया हो, किसी कंपनी के द्वारा तैयार किया हो, उसी चीज़ का प्रयोग करें। ये देखिए कितना सुंदर गड बन गया, बीज अंदर चले गए। अब इसमें क्या काम करना है कि हमें स्प्रिंकल मशीन से ही, स्प्रे मशीन से ही जब भी पानी हमें देना होगा हम स्प्रे मशीन से ही पानी देंगे। एक स्प्रे मशीन आपके पास होनी चाहिए, अच्छी कंपनी की भी आती है, मंगा लीजिए, हमेशा काम देगी। इसका नाजल हमेशा ख़राब होता रहता है, तो आप थोड़ा साफ़ कर दिया करें खोल करके, बहुत अच्छा रहेगा। स्प्रे मशीन प्रत्येक गार्डनर को या जो शौकीन हैं इनके उनको रखना चाहिए। कुछ ज़्यादा टूल्स होते नहीं हैं, एक खुरपी है, एक स्प्रे मशीन है, एक कटर है, एक मिट्टी इकट्ठा करने वाला है, इन्हीं सब चीज़ों को इकट्ठा कर लीजिए। बाकी कुछ दवाइयाँ और कुछ चीज़ें देखिए कितना बढ़िया ये जा रहा है, स्प्रिंकल हो रहा है।
या आप देख लीजिए, सहज तरीका, आसान तरीका। अब इसको एक दिन छांव में रखने के बाद हम इसको धूप में कल डाल देंगे। आज रात भर ये छांव में रहेगा, कल ये धूप में चला जाएगा। शिकायत होती है बहुत से लोगों की कि हम बीज बोते हैं, बीज निकलता नहीं है। तो उसका मेन कारण यही पानी की अधिकता होती है। और आप जो मन्योर बनाते हैं बीज बोने के लिए, वो उसमें कोई ना कोई कमी रह जाती है। एक बार इतना पानी डाल दीजिए कि 3 से 4 दिन तक पानी न डालना पड़े आपको। एक बार सुनिश्चित कर लीजिए कि आपको ज़्यादा पानी का प्रयोग बीज में नहीं करना है, नहीं तो बीज सड़ जाएंगे, उगेंगे नहीं, और आपका पूरा मीडिया, आपकी पूरी मेहनत, आपका पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। बीज को उगाते समय यह ध्यान रखना है। अब बीज को शिफ्ट कैसे करना है, इसका वीडियो में जब इसमें से बीज निकलेंगे, पौधे निकलेंगे, हम आपको अपडेट देंगे। कम से कम 10 दिन लगेगा बीज से पौधे निकलने में, हम अपडेट देंगे। तो वो भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इसका आप रोपण करें, कौन सी मीडिया हो जिसमें आप इसे लगाएं, ताकि आपके पौधे खूब चलें। मेरा विश्वास कीजिए, ये पौधे बहुत ही सुंदर होते हैं। चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, हमेशा ये फूल और पौधे बने रहते हैं। बस फर्क इतना होता है कि गर्मी में ज़्यादा पानी देना पड़ता है और ठंडक में थोड़ा कम पानी का इस्तेमाल हम करते हैं। इसमें कोई विशेष फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं रहती है। सिर्फ़ और सिर्फ आप वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें, और अगर फंगस लगा हुआ है तो फंगिसाइड का प्रयोग करें। कोई भी फंगिसाइड आप ले सकते हैं, वेबस्टीन हो गया, साफ हो गया, वो सब मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। लेकिन आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। यदि ये आपको पसंद आ रहा है, मेरा बताया हुआ तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।